नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों इंतज़ार है वो ख़त्म तो हो चुका है, वीडियो मेंस का सिलेबस जारी दोस्तों हो चुका है। इंतज़ार था कि कब तक जारी किया जाएगा। सुबह हमने चर्चा की थी इसके ऊपर और शाम को दोस्तों सिलेबस भी आ गया, और जो हमने चर्चा की थी कुछ उसी प्रकार का दोस्तों यहाँ पर रहा है कि सिलेबस में कोई बदलाव नहीं हुआ है। मैंने कहा था कि अगर संभावित समय जो एग्ज़ाम डेट बताई गई है, अगर तय समय सीमा पर एग्ज़ाम अगर करवाती है सरकार, तो सिलेबस में कोई बदलाव नहीं करे, क्योंकि समय काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। अगर बदलाव करना होता तो कब का कर चुकी होती। कुछ उसी प्रकार से सिलेबस आपके सामने है, ये मैंने लिखे कुछ पॉइंट्स पे हम बात करेंगे। यानी एक डर बना हुआ था, पिछली बार जब प्री एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर विस्तृत सिलेबस जारी नहीं किया गया था, उसी के चलते कहीं दिक्कतें बहुत ज़्यादा देखने को मिली थी। जैसे मैथ का सेक्शन था उसमें तो मान के चलो कि 5-6% ही आउट ऑफ सिलेबस थे, कुछ पता भी नहीं था। हमें उम्मीद थी कि मेंस के अंदर क्या होगा, मेंस में कहीं ना कहीं विस्तृत सिलेबस जारी होगा, तो ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला है। हूबहू एकदम कॉपी पेस्ट कर दिया है बोर्ड ने, बिल्कुल भी हमारी बातों को नज़रअंदाज करते हुए वही सिलेबस दोस्तों जारी कर दिया है। यानी जिसका डर था आखिर वही हुआ, यानी वही सिलेबस। कुछ टॉपिक्स मैंने लिखे सिलेबस के अकॉर्डिंग, अब वही चिंता का विषय पहले था और अब भी दुगना हो गया है, क्योंकि पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं थी तो, लेकिन अब की बार भैया 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है। अब हमें कदम है वो संभल कर चलने होंगे, फूंक फूंक कर कदम रखने होंगे। अगर एक गलत कदम रख दिया तो आपको पता नेगेटिव मार्किंग में क्या होता है। तो कैसे तैयारी करें, ये संशय का विषय बन चुका है कि भी तैयारी कैसे करें जब सिलेबस भी जारी नहीं किया। जैसे मान के चलते कि करंट अफेयर का कुछ टॉपिक्स हमें पता है, भूगोल के भारत विश्व राजस्थान के टॉपिक्स हमें पता है, अच्छी बात है। भारत राजस्थान विशेष कृषि आर्थिक संबंध में इतिहास संस्कृति के टॉपिक्स, लेकिन इसके बाद में ये जो नीचे का जो पोर्शन रहता है, ये नीचे का जो पोर्शन है यहाँ पर साधारण मानसिक योग्यता है, तर्क शक्ति है, अंग्रेजी हिंदी और गणित है, और यहाँ पर कंप्यूटर है। यहाँ पर कोई भी टॉपिक है वो दोस्तों डिसाइड नहीं किए गए हैं, डिसाइड नहीं किए कि किस टॉपिक से कहाँ से प्रश्न बनेगा। उसी वजह से पिछली बार दोस्तों, क्योंकि गणित है वो 10वें स्तर की आएगी, बाकी लगभग ये 10वें स्तर का ही आता है, लेकिन आपने देखा किस प्रकार का प्रश्न आया, आप समझ सकते हैं। लेकिन अब की बार क्या होगा, अब की बार वही हो सकता है, क्योंकि बोर्ड ने कुछ हलचल ही नहीं की है, कुछ किंतु परंतु भी नहीं किया है, वैसा ही कुछ हो सकता है। लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं है, अबे मुख्य परीक्षा की, बोर्ड ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन अब हमें मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी है, तो किस प्रकार की हमारी रणनीति होनी चाहिए, इसी पर हम बात करने वाले हैं। तो ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए, तो लाइक कर दें भैया, शेयर कर देना, सब बच्चे जुड़ पाएं इससे, और सब्सक्राइब कर दें जिससे कि आपको हर तरीके की जानकारी भी मिलती रहे और आपको फ़ायदा भी यहाँ से मिलता रहे, क्योंकि हम तैयारी करवा रहे हैं आपको वीडियो मेंस के लिए। राजस्थान जीके की जो टेस्ट सीरीज चल रही है वो मेन वीडियो मेंस के लिए इफेक्टिव रहेगी, मैथ की क्लास चल रही है वो वीडियो मेंस के लिए इफेक्टिव दोस्तों रहने वाली है। अब बात करते हैं, सबसे बड़ा मुद्दा रहा था गणित के अंदर, क्योंकि गणित के अंदर मुद्दा रहा था, अब की बार 100 प्रश्न नहीं है, प्री के अंदर कितने क्वेश्चन थे 100 थे, लेकिन अब की बार कितने हैं 120 क्वेश्चन आएंगे, अब की बार 120 क्वेश्चन आएंगे मेंस एग्जाम के अंदर। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन का भी लेवल बढ़ेगा, क्वेश्चन का पैटर्न क्वेश्चन की संख्या भी बढ़ेगी और लेवल भी एक्स्ट्रा होगा, क्योंकि अब की बार एग्जाम कौन सा है, मुख्य परीक्षा है, मेन एग्जाम है। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर दोस्तों आपको देखने को मिल सकता है स्तर काफी हाई देखने को मिल सकता है। सबसे पहले बात करता हूं कि गणित की, गणित की चिंता का विषय दोस्तों बना हुआ था, गणित है उसकी चिंता का विषय दोस्तों बना हुआ था, तो चिंता दोस्तों खत्म कर दीजिए, चिंता है वो खत्म कर दीजिए, क्योंकि मैंने एक वीडियो डाला है एक वीडियो दोस्तों डाल दिया है और वो आप देख सकते हैं, दोबारा से डालने की आवश्यकता नहीं है। विद टू द पॉइंट सिलेबस मैंने डिस्कस कर लिया था, जैसे प्री एग्जाम हुआ उसके बाद में मैंने एग्जाम की कि इस किस प्रकार से अब की बार रहने वाला है, तो आखिरकार वही हुआ, हमें ही मेहनत करनी पड़ेगी दोबारा से। बोर्ड ने तो बस लिख दिया गणित आती है, उसने लिख दिया गणित आएगी, अब ये नहीं बताया कि कहाँ से आएगी, तो कोई बात नहीं है। क्या वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो मेंस मैथ सिलेबस नाम से लिख दूंगा, लिंक दे दूंगा, आई बटन में भी लिंक दे दूंगा उसका, जाके देख सकते हैं, और हो सके तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पे भी उस वीडियो को मैं अवेलेबल करवा दूंगा, जिससे कि मैथ का सिलेबस है वो पूरा पूरा आप देख पाए। तो मैथ की क्लासेस चल रही हैं, डेली चल रही हैं, आप देखें। उसके बाद में रहती है बाकी सब्जेक्ट, जैसे इन्हीं की बात करते हो, इनका तो टू द पॉइंट सिलेबस दे रखा है, टॉपिक्स दे रखे अपने को। अब आपको इन जो बाकी बच गए हैं,
इनकी कैसे तैयारी करें, इनका सिलेबस, तो आपको सबसे पहले आपको एक दिन पूरा देना होगा और खुद को ये सिलेबस क्रिएट करना होगा। कब, कैसे, कि पुराना पेपर जो हुआ है प्री का है, प्री का पेपर हुआ है, जितनी शिफ्ट में हुआ है वो सारे पेपर एनालिसिस करेंगे, उसमें किस किस टॉपिक से प्रश्न बनकर आया है, किस किस टॉपिक से प्रश्न बनकर आया है उसको नोट करेंगे आप अच्छे से। अभी बता रहा हूँ आपके फायदे के लिए, एक दिन आपको देना है, एक दिन। उसमें इंग्लिश है, हिंदी है, रीजनिंग है, कंप्यूटर है, किस टॉपिक से प्रश्न आए हैं चारों शिफ्टों में वो नोट कर लेंगे, वहां से आपको टॉपिक मिल जाएंगे। और उसके बाद जहां से प्रश्न नहीं बना है और जो कि 10वें स्तर तक का टॉपिक है उसको और नोट कर लेना है, तो आपका सिलेबस पूरा तैयार हो गया। अब आपको तैयारी कैसे करनी होगी, आपको वो सबसे ज्यादा टॉपिक से डिस्कस करने होंगे जो प्री एग्जाम में आए हुए टॉपिक्स क्वेश्चन है, क्योंकि वहां से प्रश्न बनने की संभावना रहेगी। उसके बाद में जो टॉपिक बच गए हैं उनको भी बहुत अच्छे से मैं तैयारी करनी, क्योंकि परीक्षा का लेवल है थोड़ा सा ऊपर रहेगा प्री के, अगर कंपैरिजन करें तो प्री से काफ़ी अच्छा रहने वाला है। नेगेटिव मार्किंग है तो मैं कदम फूंक फूंक कर रखने होंगे, एक गलती भी हमारा सिलेक्शन रोक सकती है। अगर आप चाहते हैं कि सर हम मेहनत नहीं करना चाहते, आप ही बता दीजिए हिंदी, अंग्रेजी, कंप्यूटर, रीजनिंग, इनका सिलेबस क्या रहेगा, आप ही बता दीजिए। तो भैया अगर आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि कितने बच्चे एग्री हैं कि मैं बताऊं तो आपको मैं एक दिन पूरा एनालिसिस करके और आपको टू द पॉइंट सिलेबस भी मैं बता दूंगा, क्योंकि इनका तो दोस्तों दिया हुआ है, इनका नहीं दिया जो कि महत्वपूर्ण चीज़ है और पता होना चाहिए प्रत्येक स्टूडेंट को कि किस टॉपिक को हमें पढ़ना है। तो मैथ का तो मैंने डिस्कस कर दिया है, अब आप चाहते हो तो कमेंट में मुझे बता देना, इसके रिगार्डिंग मैं वीडियो बना दूंगा। जो कमियां आपने पिछले प्री के से आपकी गलतियां आपके सामने आई थी, आपको लगा था कि मैंने इस चीज को इस प्रकार से टैगल नहीं किया तो उसी वजह से मेरी गलतियां, उसको सुधारना होगा, इसमें सुधारना होगा और कड़ी मेहनत करनी होगी। की बार अगर वीडियो अधिकारी आपको बनना है तो कड़ी मेहनत करनी होगी, क्योंकि बिना मेहनत के सफलता दोस्तों नहीं मिलती है, किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है। बिना मेहनत के सफलता दोस्तों नहीं मिलती है, किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है, ये बात दिमाग में हमेशा याद रखना। तो किस्मत आजमाने का मौका बार बार नहीं मिलता है, नहीं हमें आजमानी है, मेहनत करेंगे सफलता जरूर मिलेगी। निश्चित है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बाकी आपके सामने है करंट अफेयर डेली से आप करें, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा बिजी हूँ, अपना ऐप बन रहा है उसकी वजह से टेक्निकल टीम से बात करते हो, और थोड़ा सा मैं मेकओवर भी कर रहा हूँ जिससे क्लासेस अच्छे से प्रॉपर मैं ले पाऊँ, इस वजह से थोड़ा टाइम मुझे लग रहा है। करंट जीके का बस सोच रहा हूँ सेक्शन शुरू करूँगा, अगर आपकी डिमांड है तो आप बता देना। उसके बाद में इन चीज़ों को दोबारा से आपने प्री की तैयारी की होगी, आपके अच्छे नंबर नियर अबाउट आप मेंस में सिलेक्शन के पास हैं, जो कट ऑफ हमने बताया उसके आसपास, तो आप तैयारी करना शुरू कर दे दोस्तों। डेली 8 बजे क्लास होती है राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज, और बड़ा धमाका दोस्तों जल्द मैं आपके सामने और करने वाले हैं, तो लगातार बने रहिएगा। रात 8 बजे टेस्ट सीरीज होती है, टू द पॉइंट डिस्कस हम चीज़ों को करते हैं, तो उसे ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि ये रामबाण सिद्ध होने वाली आप सभी के लिए। और मैथ की क्लास भी दोस्तों लगातार चल रही है, लगातार चल रही है। हिम्मत मर्दा मदद खुदा, हिम्मत मर्दा मदद खुदा, यानी अगर आप मेहनत करोगे, हिम्मत रखोगे तो खुदा भी दोस्तों आपका साथ देगा, अगर आप ही हिम्मत हार गए तो कोई साथ आपका नहीं देगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप भली बातें समझ गए होंगी, क्या करना है आपको मुख्य परीक्षा में, कैसे सिलेक्शन लेना है, लगातार मुझसे जुड़िएगा। कोई भी चीज़ आपको पूछनी है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, जल्द आपके सामने बहुत अच्छी घोषणाएं हम करने वाले हैं। मिलते हैं इसी उम्मीद के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, एंड लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए।